नमस्कार दोस्तों, शिवम गोपालगंज ब्लॉग चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे लड्डू का मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था और उससे पहले कुछ और भी मशीनरी का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, आप लोग देखे होंगे। और आज हमारे साथ फिर से मगध मशीनरी के ऑनर बड़े भैया मनन गोस्वामी जी किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं, तो सबसे पहले की मनन भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार, आपको और आपके सभी व्यूअर को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं दोना पत्तल की बनाने वाली जो पत्तल पे एक बार दिखा देते हैं आपको जो ये पत्तल बनती है इस मशीन के बारे में, ये मशीन कितनी की है और इस मशीन से क्या क्या बनाई जाती है और तो सारा कुछ आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए और हम बात करते हैं आज मनन गोस्वामी जी से बड़े भैया है, तो चलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए। जी देखिए, दोना पत्तल की अगर हम बात करें जी वैरायटी तो बहुत है और दोना पत्तल की जो खपत है जी कोरोना काल के आने के बाद, मतलब जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तो उसके साथ ही पत्तल उद्योग में अचानक तेजी आई, लोगों के मन में एक भय व्याप्त हुआ कि भाई हम लोग जो है थाली में होटल के खाना नहीं खाएंगे, पत्तल में खाएंगे, खा के पिएंगे, मतलब इसमें जो अचानक वृद्धि हुई। तो दोना पत्तल उद्योग में आप अभी क्या है मशीनें लगा करके उसका रोजगार करके और लाखों हजारों लोग कमा रहे हैं अभी भी, हमारे जो बहुत सारे कस्टमर हैं बहुत जगह हमने मशीनें दिया है। और इसमें क्या है कि एक मशीन से भिन्न भिन्न प्रकार का, जैसे जिसमें आप हम बता के समझाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको ज्यादा समझेंगे, जिसमें आप वो कोचका खाते हैं गोलगप्पा वो आप बना सकते हैं छोटा वाला, जिसमें आप चाउमीन खाते हैं वो आप बना सकते हैं, जिसमें आप खाना खाते हैं वो आप बना सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि मशीन एक है और उसमें डाई चेंज करके दिन में जैसे 3 इंच का डाई आता है, 6 इंच का आता है, 4 इंच का आता है, 12 इंच का, मतलब आपको जिस साइज का पत्तल बनाना है प्लेट जी उस टाइप का आप प्लेट इस एक मशीन से लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि तमाम तरह की मशीनें हैं, कोई एंगल में है कोई चैनल में है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट में मशीन जो बिकते रहता है उससे कम दामों में बेच करके, और वो लोग चाहते हैं होता क्या कि बहुत सारे लोगों को कस्टमर को मतलब कुछ भी करके और पैसा कमाने का अलग लग जाता है, तो वैसे लोग क्या करते हैं कि भाव को देखिए सामान अच्छा दीजिए, हाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाव को गिरा करके कुछ भी समझा करके भैया जो 50,000 मार्केट में मिल रहा है वो हम आपको 30,000 में ही दे देंगे, मतलब स्ट्रक्चर खड़ा करके आप लोग समझ सकते हैं मतलब बात है स्ट्रक्चर खड़ा करके दे देते हैं। ये उद्योग ऐसा है जी अगर आप ईमानदारी से आप काम करें तो किसी भी कोई भी लघु उद्योग खराब नहीं होता। देखिए काम करने वाले लोग जो होते हैं ना वो अच्छे और खराब होते हैं, आप देखते होंगे कि दो दुकानें एक जगह है, आप एक दुकानें ज्यादा चलती है और एक दुकानें नहीं चलती है, तो इसका कारण ये नहीं कि वो जो दुकान में सामान रखा है वो गलत रखा है, भाई साहब करने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे और बुरे होते हैं, एक मेहनती होते हैं तो एक सोचते हैं कि हमने तो प्लांट खोल लिया आराम से ठाक में बैठे हुए हैं भाई ग्राहक आएंगे। इस उद्योग के बारे में अगर बात करें तो ये पत्तल उद्योग ऐसा है कि जिसको आप लगा करके और इस लाखों हजारों कमा सकते हैं। तो सबसे पहले भैया ये बताइए कि इसमें मतलब इस उस मशीन से कितने प्रकार की पत्तल बनाई जाती है? देखिए ये तो पत्तल बनी हुई है, हम इसको दिखाएंगे तो आप ज्यादा समझेंगे। इस टाइप से रॉ मटेरियल आता है, देखिए इस टाइप से रॉ मटेरियल आता है, सिल्वर, हाँ सिल्वर वाला ये प्लेट है, तो इस तरीके से रॉ आता है। ये रॉ क्या है कि 40 रुपए से लेकर 55 रुपए किलो तक बिकता है बाजार में, केजी के हिसाब से 1 केजी में थिकनेस के अनुसार। इसमें तमाम वैरायटी होती है, 80 GSM होती है, 100 GSM होता है, 120 GSM होता है। इसमें क्या है कि 1 केजी में 90 से लेकर के और 115 120 पीस निकलता है जी। अगर आप समझ रहे हैं कि 1 केजी का अगर 45 रुपए दाम हुआ तो 1 केजी में अगर 100 निकला तो वो क्या हुआ कि 45 रुपया का भाव पड़ा। ये क्या है ना कि पत्थर जब भी बिकता है तो 1000 के भाव से बिकता है, मतलब 1000, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा 450 रुपया, आप इसको 750, 800, 900 तक आप ले सकते हैं होलसेलर, और इसमें मार्जिन बहुत अच्छा था। देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसमें 50-60% मार्जिन रहता है, लेकिन क्या है कि आपके साथ रिटेलर भी हैं होलसेलर भी हैं
लोगों को देना भी पड़ता है बहुत जगह पे, एक्सपेंसेस है। तो आप अगर बचत की बात करेंगे कि आप इसमें एक्यूरेट मेरा बचत कितना होगा, तो 25-30% का बचत आपको कम से कम। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मतलब भैया की बात की जाए तो अगर ये मशीन को अगर दोना पत्र मशीन लगा लेते हैं तो मतलब मंथली इनकम कितना कर सकते हैं? देखिए ऐसे तो करना लाजमी नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो आप दोना पत्र का लगा करके उद्योग और लाख रुपए इजीली आप कमा सकते हैं। कतई इसमें ये नहीं है कि आप नहीं कमा सकते। देखिए आप टारगेट रखिए कि 2000 पत्तल हम लोग को पर डे बेच देना है जी। अगर आप एक टारगेट फिक्स करके चलें, और मार्केट का क्या है कि मार्केट आप जितनी मेहनत करेंगे, एक प्लान रखें कि इस क्षेत्र में, देखिए किसी भी व्यवसाय में आप सोचेंगे कि प्लांट लगा करके और पैसा कमा लें तो वो संभव नहीं है। उसके लिए शुरुआत में क्या होता है, जितोड़ मेहनत करना पड़ता है आपको, जगह जगह लोगों के पास, क्लाइंट लोगों के पास, दुकानदार होलसेलर लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आपकी खासियत कि आपका प्रोडक्ट औरों से कैसे बेस्ट है और आपका रेट औरों से कैसे अच्छा है। देखिए कुछ ना कुछ आप अलग करेंगे ना, तभी आपको ही दुनिया जो है पहचानेगी और आपको भी मन को शांति होगा कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मनन भैया हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आइएगा अभी अभी आप लोग स्क्रीन पर मशीन देख रहे होंगे, इस मशीन से एक बार में कितने दो लोग काम कर सकते हैं? देखिए अगर डबल डाई है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा इस मशीन में सिंगल डाई या डबल डाई दो मशीन है? इसमें दो वैरायटी तमाम है, लेकिन इसमें डबल डाई हो गया और सिंगल डाई हो गया, सेंटर मोटर होता है, स्ट्रॉन्ग वाला होता है। इसमें क्या है कि एक तरफ आप चाहें तो दोनों पत्तल एक तरफ निकल सकता है, आप चाहे तो एक बगल छोटा एक बगल बड़ा, जिस तरीके से आप चाहें, बस डाई चेंज करना है जिस वैरायटी का आप चाहें, मतलब एक साइड बड़ा डाई एक साइड छोटा वाला, बिल्कुल आप वो कर सकते हैं। इस तरीके का आप देखते होंगे केला पत्ता में इस तरीके से पत्तल निकलता है, आप एक तरफ से केला पत्ता एक तरफ से साल पत्ता, इसमें तमाम वैरायटी है, जिस तरीके मशीन एक है वैरायटी आप जितने प्रकार का चाहें। ये मैं थोड़ा सा जानना चाहिए इसका जो मशीन अलग है। देखिए इसका मशीन तो अलग आता है, इसको पेपर कप मशीन बोलते हैं। आने वाले दिनों में और अभी भी इसका बहुत डिमांड है, क्योंकि प्लास्टिक अभी बैन ऐसे तो है लेकिन पूरी तरीके से बैन नहीं है, लेकिन सरकार जिस दिन से आएगी उस दिन तो बैन होना ही है। तो पेपर कप का आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाला है। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि अभी पत्र के बारे में आप बता रहे हैं तो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ये भी प्रोडक्ट है। थोड़ा सा इसका बजट हाई है, 10 लाख के लगभग का इसका बजट है। तो हाँ बिल्कुल, ये कोई भी चाय दुकान ऐसा नहीं जो 500 नहीं इसका सेल करता होगा। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में इसके ऊपर बात करूंगा। और इसके पत्तल की अगर खपतिया हम बात करें, आप किसी भी चाट वाली दुकान के पास चले जाएं, आप छोटा मोमोज दुकान के पास चले जाएं, मतलब कहीं भी आप खाने की बात जहाँ हो वहाँ इसकी खपत, आपके यहाँ पार्टी हो, फंक्शन हो, बर्थडे हो, कोई भी फंक्शन हो इसमें आप खपत है। तो कोई भी रोजगार करने से पहले हम आप सबको बार बार बता रहे हैं, पिछले भी वीडियो में बताया कि कोई भी रोजगार करने से पहले ये जाने कि आप किस चीज का रोजगार कर रहे हैं, वैसा ही रोजगार करें कि जिसका खपत फास्ट हो जी। मतलब ये नहीं कि जैसे आप बहुत सारे लोग हमसे भाषा पूछते हैं कि चप्पल उद्योग कैसा है, ये आप खुद बताओ कि आप कितने दिनों में एक चप्पल बदलते हो, 6 महीने में तो मैं 6 महीना 7 रोज तो मैं चला लेता हूँ, आप लोग भी इतना ही चलाते होंगे, तो 6 महीने में जो चेंज हो रहा है उसका सेल कितना होगा। तो हमेशा कोई भी रोजगार शुरू करने से पहले ये जरूर सोचे कि उसका खपत कैसा है। तो भैया मैं चाहूंगा कि सबसे पहले कि इस मशीन का आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को प्राइस बताइए, ये डबल डाई और सिंगल डाई दोनों। देखिए सिंगल डाई शुरू होती है 40,000 से लेके 50,000-60,000 तक है, और उसमें तमाम वैरायटी है, एंगल है, चैनल है, हाइड्रोलिक है जी। हमारे गोदाम में मशीनें पड़ी हुई हैं, आप आके आप चाहें तो देख सकते हैं। डबल डाई की बात करें तो उसमें भी एंगल है, चैनल है, हाइड्रोलिक है। तो मशीन की प्राइस की शुरुआत की अगर बात करें तो 40,000 में सिंगल डाई मिल जाएगी, 45,000 में उससे बढ़िया मिल जाएगी, 50,000 में हेवी ड्यूटी में भी मिल जाएगी। डबल डाई की बात करें तो 80,000 से लेकर 90,000 तक हेवी ड्यूटी में मिलेगी। मशीन के बारे में हम चाहेंगे कि मशीन लेने से पहले आप मेरे यहाँ आए, गोदाम में हमारे विजिट करें और देखें और हमसे मिलें और हमसे सबकी खासियत के बारे में जानें कि आखिर में इस मशीन में क्या खासियत है, उस मशीन में क्या खासियत नहीं है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा मशीन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अच्छा भैया अगर कोई मतलब इसको ये जो दोना पत्र की मशीन है, अगर कोई चाहे कि अपने घर में इसको बैठाए
तो लोग सोचते हैं कि मतलब उस एरिया कितना हो चाहिए, कितने एरिया में मशीन को बैठा सकते हैं। देखिए एरिया के इसके बारे में अगर बात करें तो एरिया 10x10 का रूम ही रहे तो चलेगा। दिक्कत तब आती है कि जब हम ज्यादा जगह इसलिए करते हैं तो हम सोचते हैं कि 5 स्क्वायर फीट है, ज्यादा जगह इसलिए सोचते हैं कि ये भाई बना के जब आप रखें उसके रखने का जगह जब पास में रहे सेम जगह और इसका रॉ मटेरियल भी सेम जगह रखा रहे तो उसमें आपका लेबर कॉस्टिंग बचता है। अब पता चले कि ये रूम में बना रहे हैं आप 4 तल्ला पर जाकर इसको रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। तो आपको एक ही जगह पे अगर 5 स्क्वायर फीट रहे 3 से रहे तो चलेगा, अगर अगर मजबूरी है भाई उतना भी जगह नहीं है और हमको करना है तो 10x10 का कमरा भी काफी है। और भाई आप जो मशीन लेकर जाते हैं और ये लोग पत्तों की वजह से बनाएंगे तो वो लोग काफी लोग सोचते हैं कि हम इसको सेल कहाँ पे करें। देखिए इसके लिए होलसेलर हैं, रिटेलर हैं और सेकेंडरी ऑप्शन हमारे करते हैं, हम इसमें भी हम सेल करने के लिए जैसे आप देख सके हर वीडियो में आपके बारे में कहते हैं कि हम मशीन भी देते हैं, रॉ मटेरियल भी देते हैं और स्किल लेबर भी देते हैं और सेल भी देते हैं। हमारे यहाँ खुद चल के होलसेलर लोग कॉल करते हैं तो हम क्या है प्रोडक्शन तो करते नहीं है, हमसे जो मशीन लेते हैं उन्हीं को नंबर हम फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ से जो कॉल आता है उनको हम मुहैया कराते हैं। तो दोस्तों जैसे सुना आप लोग मतलब भैया के पास मतलब कॉल आता रहता है कि हम लोग को ये पत्ता लेना है काफी मतलब आप ही लोग आप जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं आप ही लोग चैनल के माध्यम से कॉल आता है कि भाई साहब हम किराना दुकान पर वीडियो तो कौन देखता है, ये दुकान ही चलते सब लोग देखते हैं, दुकानदार भी देख रहे हैं, होलसेलर भी देख रहे हैं, जो नए युवा है वो भी देख रहे हैं। तो सब निर्भर करता है पूंजी के लेकर के, अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप यहाँ आइए हमारे मैन्युफैक्चरर से लीजिए, मार्केट में होलसेल का काम कीजिए, अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है तो आप मशीनें लीजिए आप खुद का प्रोडक्शन कीजिए, जैसा पूंजी है। लेकिन अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो आपका रास्ता यहाँ खुला हुआ, आप आइए मगध मशीनरी में आपका वेलकम है। आप घरेलू बिजली से इस्तेमाल कर सकते हैं और पत्थर बनाइए और रोजगार कीजिए, खूब पैसा कमाइए। तो जैसे कि हम लोग धुना पत्थर के पत्थर तो मशीन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एक अभी बात हमारे व्यूअर्स लोगों के मन में चलता होगा कि क्या इस मशीन में कोई वारंटी वगैरह है। बिल्कुल हमारे यहाँ क्या है वारंटी तो हमेशा के लिए है, यदि आप हमारे से जब जुड़ जाते हैं तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनता है। ऐसे मशीनरी की बात है तो 1 साल की वारंटी है, उसके बावजूद भी कुछ गड़बड़ी होती है तो हमारे इंजीनियर है टाइम टू टाइम आपके कॉल पे 24 घंटे में पहुंच जाते हैं। अब ये ऐसे मशीन जाएगा तो मशीन ले जाने के बाद आपको कोई सेल करने के लिए देखिए इंस्टॉलेशन के लिए हमारे इंजीनियर जाते हैं, आपको प्रॉपर इंस्टॉल करके कैसे किन किन बातों को ध्यान रखना होता है ये बताते हैं और ये कैसे बनती है आपको बना करके सिखा कर आपको पूरे ट्रेंड करके फिर आते हैं जी। इसका टेंशन नहीं लेना है, आप बस मन बनाइए कि खुद का रोजगार करना है और आप चले आइए गोपालगंज मशीनरी में। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं मशीन भी रॉ मटेरियल और मतलब सब कुछ भैया के पास मिलेगा। तो दोस्तों यही था आज का ये छोटा सा वीडियो और इन सब बातों से ये नहीं सोचिएगा बस ऐसे आप आइए हम आपके सामने आपको हम प्रूफ दिखाएंगे, हमारे जो भी लोग हैं जो लगाए हैं उनसे बातें कराएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि केवल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम जो कहते हैं वो भी करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सुना भैया बताए तो मशीन के बारे में A to Z आप लोग का कमेंट भी आया था पिछले वीडियो को कि आप दोनों पतल के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो भैया समझा दिया मशीन कितने के है सारा कुछ तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो दोस्तों जो चीज मन में सवाल हो रहा होगा मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे डायरेक्ट आप बातचीत भी कर सकते हैं, जो भी दुविधा हो उसको पूछ सकते हैं, जिस तरीके से परेशानी कुछ भी हर चीज का समस्या का दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर और पूरा यहाँ का एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा वीडियो, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और आगे तक जाए। अगर कोई चाहता है कि इस मशीन को लेकर और अच्छा खासा बिजनेस शुरू करे तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हम फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे इस ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।